फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। 4,500 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी के घर की कुर्की के बाद आज एसटीएफ ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से जुड़ा बीएन तिवारी पिछले 2 सालों से पुलिस आर्थिक अपराध शाखा व एसटीएफ को गच्चा देते हुए फरार चल रहा था। इस पर इनाम भी घोषित था। गिरफ्तारी न होने पर ही उसके लखनऊ स्थित घर की कुर्की की गई थी। आपको याद दिला दें कि ईओडब्ल्यू की मेरठ इकाई ने हाल ही में लखनऊ गोमती नगर स्थित बीएन तिवारी के घर पर स्थानीय पुलिस की मदद से कुर्की की थी। 2 साल से लगातार फरार चल रहे बीएन तिवारी संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, लोकेंद्र व भूदेव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की यह कार्यवाही की गई थी। आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर कंपनी ने बाइक बोट नाम से बेहद लुभानवी स्कीम लॉन्च की थी। इसमें निवेशक को करीब 61,000 रुपए कंपनी को देने थे, जिसकी एवज में कंपनी ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक सड़क पर उतारती। बदले में हर माह करीब 10,000 रुपए निवेशक को मिलने थे। बाइक बोट की लॉन्चिंग में 2 IPS अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। माना जा रहा है कि इन लोगों द्वारा लॉन्चिंग किए जाने से लोगों का बाइक बोट के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन जालसाजों को सौंप दी। बाइक बोट घोटाले को फर्स्ट बाइट उस समय से लगातार उठाता आ रहा है जब मीडिया ने उस तरफ से आंख मूंद ली थी। अभी महाघोटालेबाज संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल भी फरार चल रही है। अब तक करीब 20 से 22 लोग जेल भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इस मौके पर पिछले 2 वर्षों से दादरी स्थित कार्यालय पर धरनारत मुन्ना बालियान ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। 25 फरवरी 2021 दोस्तों, आज जांच एजेंसी ने बाइक बोट घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बीएन तिवारी गिरफ्तार कर लिया, जिसको इस बाइक बोट घोटाले में सबसे अहम भूमिका थी इस मास्टरमाइंड की। और ये योगदान मैं सबसे पहले अपने मीडिया पत्रकार पर धोखा देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज इतना बड़ा मुकाम अगर हमें हासिल हुआ। आज चूँकि एक खबर हमें पता लगी, आज तक ये मास्टरमाइंड बचता फिर गया था सत्ता और शासन प्रशासन के पकड़ के कारण, मगर फर्स्ट बाइक टीवी और अमर उजाला और हिंदुस्तान दैनिक जागरण इन पत्रकार बंधु और मीडिया बंधु की वजह से आज हमने 80% अपनी जीत निश्चित कर ली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी जांच एजेंसियों का। मतलब बात ऐसे दोस्तों, अब जागरूक होने का समय है। अब हम 80% अपनी जीत हमारी निश्चित होगी। सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद, राम राम। इस खबर में आज फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।